नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। प्रशासनिक अनदेखी किस भयावह तरीके से मोड़ ले सकती है, आज की खबर से ही पता लगता है। और ये कोई पहली दफा नहीं है कि ऐसा कुछ आंखों के सामने आया हो, बल्कि आए दिन ऐसी खबरों से रूबरू होना ही पड़ रहा है। आज बात हो रही है आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की, जहां बारिश ने एक ऐसी तस्वीर सामने आकर के रख दी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बारिश के कारण शमशान घाट के लिए जो रास्ता जाता है वह दलदल में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, इस दलदल बने रास्ते में एक शव को लाने में 12 लोगों को जरूरत पड़ी। हाँ, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 12 लोगों के कंधों की जरूरत पड़ी इस शव को उठाने में। और रास्ता इतना भयावह था कि 12 लोग शव गिरने से बेकदरी होने के डर से सहमे रहे। और ये भयावह मंजर यहीं खत्म नहीं हो गया, बल्कि साथ ही थाना सैया की तेहरा गांव में अंतिम संस्कार के दौरान बारिश होने पर तिरपाल हाथों में पकड़कर लोगों ने पूरी चिता जलवाई है। जानकारी के अनुसार मामला फतेहपुर सीकरी के विकास खंड के गांव हंसपुरा का है। यहां आकाश कुमार की पत्नी राजकुमारी 26 वर्ष की बीमारी के चलते आकस्मिक मृत्यु हो गई। कीचड़ के कारण लोग कई बार उसमें फिसल भी गए। बॉडी के साथ चिता को हाथ में पकड़े लोग कई बार इस कीचड़ में फिसलते हुए दिखे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बॉडी के साथ मरने के बाद भी कितना दुराचार हुआ है। अब सवाल ये उठ कर के आता है कि आखिर 12 लोगों को कंधा देकर शव को लेकर के जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो आपको बताते चले कि जब परिवारजन द्वारा अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी और शव को लेकर निकले ही वाले थे, तो शमशान के रास्ते की हालत इतनी खराब, इतनी जर्जर थी कि वहां वाहन ले जाना तो दूर की बात, पैदल चलना भी काफी जोखिम भरा था। फिर भी उन्हें एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऑप्शन मिला ही नहीं, कुछ सरकारी व्यवस्था थी ही नहीं, रोड ढंग से काम नहीं कर रहे थे, रोड दलदल में तब्दील हो गया था, पूरे रास्ते भर भयानक कीचड़ और जल भराव था। मृतक के परिवारजन ने बताया कि अंतिम संस्कार करने जाने का रास्ता करीब 2 किलोमीटर था। इस पूरे रास्ते 10 से 12 लोग लगातार शव का हाथ लगाते रहे। इसके बाद भी कई बार लोगों के पैर फिसलने से शव गिरने की नौबत आ गई। गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। काफी मशक्कत के बाद शव शमशान तक पहुंच पाया। कई मुश्किल प्रयासों के बाद शव शमशान तक पहुंच गया। गांव के समाजसेवी सुनील पारश्र ने बताया कि मोक्ष धाम में कोई दीवार नहीं है और न ही अंतिम संस्कार का कोई स्थान बना है, बिना किसी सुविधा के शमशान बना हुआ है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके चलते कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। हाँ, हम आपत्ति हो चुकी है, मनरेगा के तहत रास्ते में मिट्टी डालकर निर्माण होना है, अभी खेतों में धान की फसल है, फसल कटते ही काम शुरू हो जाएगा, 2 माह के अंदर सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल घिसा पिटा जवाब, चुके हम सब जानते हैं, लेकिन आम जन और कर भी क्या सकते हैं। रुकने के अलावा सरकार चुनने की गलती भी तो आम लोगों की है ना, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं हम आपके सामने ऐसे केसेस और ना लाए और ऐसे केसेस और रुकें, लेकिन जमीनी हकीकत से जरूर रूबरू करवाएंगे आपको। ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा वोकल न्यूज के साथ।